क्या आपने सोचा है आज से पहले, मतलब पुराने समय में हमारी नानी या नानी की मम्मी या हमारी मम्मी के टाइम पे भी इतने डॉक्टर नहीं होते थे। वैद्य होते थे शायद, और पर वैद्य भी तभी आते थे जब ज़्यादा मैटर होता था, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, वरना लोग का इलाज कैसे होता था? क्या तब लोग बीमार नहीं पड़ते थे? पड़ते थे ना, और तब इलाज कैसे होता था? डॉक्टर नहीं, ऑपरेशन नहीं, दवाइयाँ नहीं, इंजेक्शन नहीं, फिर कैसे? कभी आपने सोचा है, गौर फरमाया है? एक्चुअली तब के टाइम पे रियलिटी अगर देखी जाए तो इतनी बीमारियां नहीं होती थी, पर आज के दौर को जैसे जैसे एक एक बीमारियां बढ़ती जा रही, निकलती जा रही, तब नहीं होती थी। उसका रीजन पता है क्या है? शुद्ध खान पान, शुद्ध हवा, नेचुरल चीजों से संपर्क ज्यादा अच्छा रखना, मतलब नेचुरल के नेचर्स के करीब रहना। और इसलिए वहाँ जब ऐसी कोई बीमारी होती थी तो हम लोग मैंने एक शब्द मैंने सुना है, खर खुदवा, मतलब गांव की भाषा में कह दें या नॉर्मली शहर की भाषा में कहें तो ऐसी चीज जो घरेलू चीज होती थी, जो क्या खेत में पेड़ पौधों पत्तों में हो जाती थी, घरेलू उपचार, नेचुरल उपचार होता था, उससे वो ठीक हो जाए। जैसे पहले के ज़माने में लोग को बुखार होता था तो नीम का काढ़ा पिलाती थी, क्या कहते हैं उसको, चिरौंजी, चिरौता, जी चिरौता होता है, गांव में मिलता था, उसको उबाल के पीती थी। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, उस समय जो भी चीज़ मिलती थी बहुत प्योर मिलती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब पहले के इंसान को देखिए, उनकी हड्डियाँ और इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ों को खाए हैं, वो ये मिलावट वाली चीज़ों को नहीं खाया। सबसे बड़ी बात, जो आज का पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, गोलगप्पे, ये हैं, ये उन्होंने नहीं खाया है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा हेल्दी हैं। तो आज जब हम बात करते हैं इन चीज़ों के लिए कि नेचुरल तरीक़ों से घरेलू चीज़ों को यूज करके या नेचुरल तरीक़ों से हम अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, तो लोगों को एक बार पता नहीं क्यों ट्रस्ट नहीं होता, जबकि ये हमारी सच्चाई रह चुकी है। आयुर्वेदा के हिसाब से भी हम नेचुरल तरीक़ों से अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, जैसे कि सबसे बढ़िया था, हम ये जो पेस्ट करते हैं इससे हमारे दांत को, पहले के जो लोग दातुन करते थे, हल्दी नमक करते थे, उनके दांत कितने स्वस्थ होते थे, जब से पेस्ट करने लगे हैं कितनी प्रॉब्लम होती। और शायद आप धीरे धीरे देख रहे हैं लोग अब फिर से पुराने तौर तरीकों अपना रहे हैं, तौर तरीकों को। अब कोई लोग कहोगा तो क्या पेस्ट करना छोड़ दें, दातुन करें? हाँ, अगर आप कर सकते हैं दातुन कीजिए, हल्दी नमक का पेस्ट कीजिए, ये आपके पेस्ट से ज़्यादा आपके दांत को स्वस्थ रखेगा। खैर मैं यहाँ दांत के लिए नहीं बता रही हूँ, नेचुरल चीज़ों के बारे में बता रही हूँ। और नीम की पत्तियाँ कितना हेल्पफुल है, मतलब पुराने समय की चीज़ें और पुराना घरेलू उपचार बहुत अच्छा होता था। ये जो आजकल की जनरेशन है, जो आजकल की चीज़ें, हम लोग भी आजकल के ही जनरेशन में हैं, पर थैंक गॉड हम लोग की जो माँ है वो पुराने जनरेशन की है, तो हमारे अंदर पुराने जनरेशन का 50% चीज़ें आई है, पर जो हमारे अब बच्चे होंगे, बच्चे हैं, उनके टाइम पे वो 50% नहीं रहेगा, 20% रहेगा, क्योंकि हम लोग भी ना आजकल के चीज़ों को देख के, दौर को देख के चेंज हो रहा है। पर अब दौर पुराने जमाने में जा रहा, अब नॉन स्टिक की जगह लोग मिट्टी का बर्तन यूज करना प्रेफर कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही, चूल्हे का खाना खाना अब लोग पसंद कर रहे हैं, काफसिल बट्टे पे काम करना ऐसा सब पसंद करते हैं। खैर ये तो मैं आपको बस एक नॉर्मली बता रही थी, क्योंकि जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ वो शायद ये जो मैंने बताया ये समझ के आप जो मैं बताने जा रही हूँ वो समझे, और क्या बात है, क्या वीडियो है, तो वीडियो पूरा देखिए एंड तक, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। उससे पहले आप सभी को राधे राधे, मैं विजय लक्ष्मी मौर्य यूपी बस्ती से, और मैं सुकन्या केयर संस्था में एक सोशल अवेयरनेस प्रोग्रामर, डिसर क्रिएटर एंड ट्रेनर हूँ। मैं बात करने जा रही हूँ PCOD या PCOS। क्या PCOD एंड PCOS को बिना डॉक्टर की दवाइयों के इलाज के सही किया जा सकता है? जी हाँ, अगर आप नेचुरल तरीके से अपने खाने पीने की चीज़ों को बदल सकते हैं, अपना डेली रूटीन यानी कि दिनचर्या को चेंज कर सकते हैं, लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हैं, तो जी हाँ, पूरी गारंटी के साथ हम अपने PCOD या PCOS की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे ऐसे कैसे हो जाता, तो डॉक्टरों का काम ही नहीं लगता।
डॉक्टर आजकल भगवान है, सेकंड भगवान है, भगवान के बाद डॉक्टर है, जिन्हें भी हम लोग भगवान कहते हैं। तो आई नो बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो बिना डॉक्टरों के नहीं दूर हो सकती, पर पीसीओटी पीसीओएस ये हम बिना डॉक्टरों के दूर कर सकते हैं। अच्छा, दूर कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हर चीज़ के लिए दवा खाना इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? पहले के टाइम पे महिलाओं को इनरेगुलर पीरियड नहीं आता था, अब तो इतने सारे साधन हो गए, इतनी सारी फैसिलिटी हो गई है, हाइजीन मेंटेन होने लगा है, पैड्स आने लगे हैं, इतना क्लीनिंग प्रोसेस, सारी चीज़ें होने लगी हैं, पैंटीज होने लगी हैं, जिससे हम लोग अपने हाइजीन को मेंटेन कर पाते हैं, हैंड वॉश होने लगा। लेकिन पुराने टाइम पे महिलाओं के पास क्या था, एक कपड़ा यूज करती थी और दोबारा उसी कपड़े को वॉश करके सुखा के फिर वही यूज करती थी। आप सबको पता होगा, और नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए, और वो भी धूप में नहीं छांव में। तो सोचिए उस कपड़े में कितने इन्फेक्शन होते थे और महिलाओं को पहले कितना इन्फेक्शन झेलना पड़ता था। पर पता है उस समय नेचुरल तरीकों से वो ठीक होती थी। तो अगर पीसीओडी पीसीओएस आपके अंदर भी है तो आप अपने दिनचर्या को चेंज करिए, जैसे कि आप अपने डेली रूटीन में वॉक को शामिल कीजिए, एक्सरसाइज को शामिल कीजिए, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, अपने वेट पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। जब वेट पे कंट्रोल होगा तो आप खुद ब खुद आपके कई सारे प्रॉब्लम, क्योंकि कई लोगों को देखा जाता है वेट की प्रॉब्लम की वजह से पीसीओडी पीसीओएस या सिस्ट हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा है तो आप, और नहीं भी है फिर भी आपको अगर पीसीओडी है तो आप वॉक ज़रूर कीजिए, वॉक के साथ आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, खाने पीने की चीज़ों को चेंज करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, जैसे कि नाश्ते में हो गया कच्चा चना खाइए, अंकुरित चीज़ों को खाइए, फ्रूट्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल को अपने लाइफ में शामिल कीजिए, आप दाल खाइए, प्रोटीन वाली चीज़ें खाइए, मतलब आप हेल्दी खाना खाइए, तला भुना मसाला अवॉइड कीजिए, नेचुरल चीज़ों से बनी चीज़ों को खाइए, नेचुरल चीज़ जैसे कि क्या हुआ, नेचुरल से क्या हुआ, फ्रूट हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, टाइम टू टाइम पानी का इंटेक अच्छा करिए, स्लीपिंग को अपना जो स्लीपिंग टाइम है सबसे अच्छी बात है उसको मेंटेन करिए, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लीजिए, रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 6 बजे तक आप नींद लीजिए, कोशिश करिए कि आप 10 बजे तक सो जाइए, आपका नींद जो है, नींद का जो सर्कल है, स्लीपिंग सर्कल का, वो मेंटेन होना चाहिए। कोशिश करिए स्ट्रेस लेवल कम करिए, आजकल स्ट्रेस सबको होता है, पर जो कि मैंने बताया कि वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन करिए, इससे आप अपने स्ट्रेस को, मेडिटेशन से खास करके मॉर्निंग के टाइम पे अगर आप करते हैं तो आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होगा, और जैसे कि होता है ना योगा से मेडिटेशन से हमारे काफ़ी प्रॉब्लम ठीक होते हैं, ये कीजिए। और जैसे कि है, जैसे मैंने बताया, हेल्दी डाइट को फॉलो कीजिए, हेल्दी रूटीन को फॉलो कीजिए, आप देखेंगे, आप अगर 1 महीना कर लेते हैं, गारंटी देती हूँ, 1 महीना अगर आप कर रहे हैं, 1 महीना आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने हेल्थ को लेके थोड़ा सा सावधान हो गए हैं, स्लीपिंग सर्कल अपना सही कर लिया, खाने पीने की चीज़ों को बहुत कंट्रोल किया, बाहर की चीज़ों को अवॉइड किया, तेल मसाला तला भुना, जंक फूड फास्ट फूड को अवॉइड किया, सिर्फ घर का खाना खाया, नॉर्मल खाना खाया, बहुत ज़्यादा घर में भी तला भुना मसाला नहीं खाया, हेल्दी डाइट को लिया, ग्रीन्स वेजिटेबल और फ्रूट्स को अपने लाइफ में, ड्राई फ्रूट्स को अपने लाइफ में डाला, अंकुरित फल सब्जियों को खाया, टाइम टू टाइम नाश्ता लंच डिनर आपने किया, ब्रेकफास्ट किया, और तो आप देखेंगे 1 महीने में आप देखेंगे कि आपके पीसीओडी पीसीओएस की समस्या 50% से ज़्यादा खत्म हो जाएगी। और अगर 1 महीने में आप 100% अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं बिना दवाइयों को, तो आप रेगुलर जो मैंने बताया वो फॉलो कीजिए, उसके साथ साथ आप सुकन्या केयर संस्था का ट्रस्टेड ये संस्था है, इस संस्था के सैनिटरी नैपकिन को यूज करिए। जी हाँ, अगर 1 महीने तक आपने इस पैड्स को यूज कर लिया एंड आपने अपने खाने पीने की चीज़ों को चेंज कर लिया तो आप यकीन मानिए आप पीसीओडी पीसीओएस जैसी गंभीर समस्याओं से छुटकारा पा जाएंगी बिना दवाइयों के। जी तो और ऐसे ही मतलब कैसे इस पैड्स को यूज करना है, क्या करना है, ऐसी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे स्क्रीन पे जो नंबर दिया है, उस नंबर पे आप संपर्क करके इस पैड्स को घर बैठ के ऑर्डर मंगा सकती हैं, ऑर्डर कर सकती हैं, एंड सारी डिटेल सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकती हैं। और ऐसी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल संध्या मोहंती सुकन्या केयर पे ज़रूर विजिट करिए, और अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, और हमें अप्रिशिएट करते रहिए। राधे राधे।